श्री वैद्यनाथं शरणं प्रपद्ये समरमयाम श्री उमामहेश्वराय नमः बाबागरीबनाथाय नमः। मुजफ्फरपुर के रामदयालु रेलवे गुमटी स्थित सत्य शिवसेना संस्थान द्वारा कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए दवा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्किट, चाय सभी की व्यवस्था की गई। वहीं शिविर के अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले 17 सालों से ये शिविर लगाए जा रहे और आगे भी भक्तों की सेवा में सत्य शिव सेवा संस्थान द्वारा शिविर लगाया जाता रहेगा। वहीं उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा एवं डॉक्टर नवीन कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने कहा कि सावन का महीना बहुत ही पाक महीना है, जहां भोलेनाथ हर भक्तों की मांग पूरी करते हैं। भोलेनाथ की सबकी कामना पूरी होती है। आज मैं सत्य शिव सेवा संस्थान के शिविर में मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो सबसे पहले इस संस्थान के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि ये लोग कांवड़िया की सेवा वर्षों से करते आए हैं और इस बार भी ये शिविर लगाए हुए हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी ये लोग इसी तरह से शिविर लगाते रहें। इसके साथ ही सावन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ की जनता को देना चाहूँगी और भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी को खुश और सुख समृद्ध रखें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही परम ब्रह्म है, गुरुओं के भी गुरु हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि सारे जग का कल्याण करें। सत्य शिव सेवा संस्थान के लोगों के द्वारा ये रामदयालु के पास जो है कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले सावन मास की सभी लोगों को, पूरे मुजफ्फरपुर बिहार और भारत के जनता को सावन मास की शुभकामना देता हूं। और विशेष करके जो ये संस्था है, इस संस्था के सभी सदस्य सचिव और जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोले बाबा की कृपा उन पर बरसते रहे और सत्य के राह पर ही लोग चले। और मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों का तरफ से अगर कुछ होगा, हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा, मैं इन लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। बहुत जैसे कि कांवड़ियों के लिए हम लोगों ने ठंडा पानी, गर्म पानी, शरबत, चाय, बिस्किट, दवा, ये सब की व्यवस्था हर साल की तरह इस साल भी हम लोग पूरे से व्यवस्था के साथ में कांवड़िया की सेवा के लिए इस बार हम लोग फिर से उतरे हैं। कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? लगभग हम 16-17 वर्षों से अपने कांवड़िया को, अपने जितने भी सदस्यों के साथ, लगभग 16 साल से हम कांवड़ियों की सेवा अभी तक देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। सेवा शिविर में कितने सदस्यों के साथ? अभी हमारे साथ लगभग 125 सदस्य है। कहाँ पे लगता है शिविर? ये शिविर इस बार अभी रामदयालु में लगा था, पिछले साल हाथी चौक पे लगा था। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फायर्स का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फायर का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।